Hello friends, welcome to my channel Study Online. In this video I will do exercise 4D question number 25. If one root of the quadratic equation 2x square plus 2x plus k is equal to 0 is minus 1 by 3, find the value of k. Quadratic equations diye gaye hain jiska root minus 1 by 3 hai. तो k का वैल्यू को फाइंड करना है. इट मीन्स x का वैल्यू दिया हुआ है माइनस वन बाई थ्री. टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस के इक्वल टू जीरो इक्वेशन दिया हुआ है. अब इस इक्वेशन में x का वैल्यू को पुट करेंगे तो टू इंटू माइनस वन बाई थ्री होल स्क्वायर प्लस टू इंटू माइनस वन बाई थ्री प्लस के इज इक्वल टू जीरो. तो टू इंटू माइनस वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, थ्री का स्क्वायर नाइन हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस टू बाई थ्री प्लस के इज इक्वल टू जीरो. तो टू बाई नाइन माइनस टू बाई थ्री, अब प्लस के है तो राइट साइड में करेंगे तो माइनस के हो जाएगा. अब दोनों को एलसीएम लेंगे, नाइन और थ्री का एलसीएम नाइन होता है. नाइन को नाइन से डिवाइड करेंगे तो वन आएगा, वन इंटू टू टू तो टू माइनस, थ्री को नाइन से डिवाइड करेंगे थ्री, थ्री टू जा सिक्स इज इक्वल टू माइनस के. सिक्स को टू से माइनस करेंगे तो फोर हो जाएगा. साइन सिक्स के साथ सिक्स ग्रेटर है, उसका साइन माइनस इसे माइनस डिवाइडेड बाय नाइन इज इक्वल टू माइनस के. माइनस माइनस विल गेट कैंसिल, देयरफॉर फोर बाय नाइन. तो के का वैल्यू आ जाएगा फोर बाय नाइन. सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस एटीन इज इक्वल टू जीरो हैज नो रियल सॉल्यूशन. सबसे पहले हम डी का वैल्यू निकालेंगे. ए वन है, बी इज इक्वल टू माइनस एट, सी इज इक्वल टू एटीन. डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. तो माइनस एट का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए का वैल्यू वन है, सी का वैल्यू एटीन है. तो माइनस एट का स्क्वायर हो जाएगा सिक्सटी फोर माइनस एटीन इंटू फोर सेवेंटी. सेवेंटी टू में से सिक्सटी फोर को माइनस करेंगे देन वी गेट माइनस एट. फॉर नो रियल सॉल्यूशन डी शुड बी लेस देन जीरो. यहाँ पर माइनस एट है मतलब जीरो से कम हुआ ये जो सॉल्यूशन आया है डी का वैल्यू. तो ये बता रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नो रियल सॉल्यूशन है. फॉर नो रियल सॉल्यूशन डी शुड बी लेस देन जीरो, दैट इज माइनस एट इज लेस देन जीरो. हैंस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल सॉल्यूशन. आंसर अगेन आई रिपीट, नो रियल सॉल्यूशन के लिए डी को जीरो से कम होना चाहिए, मतलब डी शुड बी ऑलवेज लेस देन जीरो. हियर इन दिस क्वेश्चन माइनस एट आया है, मतलब डी का वैल्यू माइनस एट आया तो जीरो से हमेशा कम होगा. इट मीन्स इट हैज ए नो रियल सॉल्यूशन. इसी तरह मेरे लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीजिए एंड कीप वॉचिंग.